पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की ही होल, लेकिन अवैध वसूली के प्रकरण स्वास्थ्य विभाग में लगातार जारी हैं। जहां एक तरह से पीड़ित अपने मरीज की दवाइयों को पैसा जुटाने में लगता है, वहीं डिलीवरी ANM का अवैध वसूली का मामला थमना नहीं थमता। पूरा मामला बिलारी CSC का है। बिलारी सामुदायिक केंद्र पर एक अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने आए हरि सिंह ने बताया कि प्रसव पीड़ा के दौरान उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, जिससे वह CSC बिलारी में पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते गुजारिश करके डिलीवरी तो हो गई, जिसके एक लड़के को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान खुशी के मिठाई के नाम पर अवैध वसूली का गोरख धंधा आरंभ हो गया, जहां 1000 की पीड़ित के पति से डिमांड की गई, जबकि उसके पास दवा लेने के भी पैसे नहीं थे, किंतु पैसे नहीं देने पर अस्पताल से डिस्चार्ज करने को साफ इनकार कर दिया। जहां हरि सिंह ने कहीं उधार पैसे की व्यवस्था कर 500 देने की बात कही, जिसको लेकर ANM भड़क गई और 1000 रुपए न देने पर धमकाने लगी, जिस पर महिला ने डिस्चार्ज न होने के डर से पति को व्यवस्था कराने के लिए आग्रह किया, जिसके दौरान पति ने कहीं से 1000 लाकर मैडम को सौंप दिए, जबकि आशा ने भी इसमें सजा होने की बात बताई है और 200 उसके हिस्से में आते हैं। जब ये बात मीडिया के बीच पहुंची तो प्रभारी संदीप गुप्ता से बात की तो उन्होंने पीड़ित कक्ष के लिखित शिकायत देने पर कार्रवाई करने की बात की है, जबकि बीते दिनों इसी CSC बिलारी के ऊपर लापरवाही करने का बड़ा आरोप लगा था, जिसके चलते एक महिला को एक्सपायर डेट की दवा देने से रिएक्शन हुआ था और मीडिया कर्मियों को नो एंट्री के बेल्ट पेपर चिपका करके खबर में सच्चाई दिखाने को मुकदमा करने की धमकी दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मामले को साठगांठ के दौरान निपटा लिया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या विभाग के प्रति लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है या मरीजों के साथ अवैध वसूली का प्रकरण जारी रहता है। मैं अपनी बेबी की डिलीवरी लेके आया था। क्या हुआ? लड़का हुआ है उसके। तो वो ये कह रही थी खुशी में आप हमारे लिए भाई कुछ दो, तो मैंने कहा भाई जो मेरी श्रद्धा वो ले लो मुझसे, तो मैंने कहा 500 रुपये ले लो, बोली 500 कम है, तो उन्होंने मुझसे 1000 रुपये लिए। अब वो उनका तो मुझे नाम पता, तो कुछ पता नहीं भाई कहाँ की बात थी? यहीं सरकारी हॉस्पिटल की। कौन सी बात? बिलारी। अच्छा, कितने पैसे लिए? 1000 रुपये लिए। आपसे लिए और किसी से भी लेते हैं? अब मुझे और किसी का तो पता नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। गाँव से कितनी दूर पड़ता है? ये गाँव से करीब 15 किलोमीटर पड़ता है। तो आपने कहा ना किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? तो वो ये बोले खुशी में जो हम लेते हैं आज के। मैंने कहा भाई लेते होंगे, तुम्हारा कोई नियम होगा यहाँ का। तो आपने शिकायत की गई डॉक्टर से किसी? मैं क्या शिकायत करता, जब मुझे यहाँ का रूल ही नहीं पता क्या है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये कहते हैं आप एम्बुलेंस को फ़ोन करा था, मैं एम्बुलेंस से आया था, ये आशा थी, ये हमारी थी ना चंदोसी थी। अच्छा, एम्बुलेंस में कोई पैसा नहीं लिया जी? पहले नहीं लेते थे जी, अब जो आजकल से शुरू हुआ है लेने शुरू हुए हैं जी। जैसे मानो लड़का हो रहा है खुशी के, ये पैसे जैसे मानो किसी की इच्छा है देने की 10 की 20 की, वो लेने का हक है इनका। जब मानो किसी के पास नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करते हैं जी लोग? डॉक्टर ने लिए थे, बच्चा जो पैदा करती है भाई जी। डॉक्टर ने तो अभी छुट्टी में है, शाम को आऊँगी। किसने करी थी? शाम की ड्यूटी पे जो होती हैं। क्या नाम होगा? नाम की नहीं पता है मुझे, कई सारी हैं। अच्छा, तो आपने मना नहीं करा? जी मैं नहीं थी, मैं सुबह आई थी। मेरे पास तो कोई स्पेशल में शिकायत नहीं है, आपके पास शिकायत हो तो आप प्रस्तुत करिए। जैसे हमारे द्वारा बताया जा रहा है तो आप उसमें ध्यान देंगे या फिर लिखित शिकायत भी? लिखित शिकायत पर ही किसी पर कार्रवाई की जा सकती है।